ऑसिलेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उन दोनों के सम ग्राफ, और हमने काफी सारी चीज, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल, वो सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना सीखेंगे। जो भी हमारा कोई एसएचएम होता है उसके एक ऑसिलेट करने की टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को निकालना हम लोगों को इस लेक्चर में सीखना है। इसको हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझेंगे, पर उससे पहले हम लोग बेसिक है क्या, मतलब कैसे निकालना है, कैसे उस प्रॉब्लम को सोचना है हमको, हर एक प्रॉब्लम को जिसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, वो हम पहले इलस्ट्रेशन में देखो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और वो ब्लॉक जो है ना उसका मास है m, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है ना, हमने इस ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स F और लगा दिया है, कांस्टेंट फोर्स F। जब एक कांस्टेंट फोर्स F पर लगाते हैं तो ये बात तो पक्की है कि जब हम इसको F फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, और हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। तो ये स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक पर अपने इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मीन पोजीशन की तरफ, कितना, kx, है ना। मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक उसकी वजह से क्या होगा, अपनी सीधी सी बात है, इस नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगा, नेचुरल लेंथ से कुछ खिंच जाएगा, नेचुरल लेंथ से कुछ खिंच जाएगा। मान लेते हैं ये है इसकी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्योंकि इस पोजीशन पे देखो, इस पे नेट फोर्स जीरो है क्या, नहीं है। क्यों, इस पोजीशन पे देखोगे तो स्प्रिंग इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, जबकि हमने एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रखा है, तो इस वजह से ब्लॉक थोड़ा इधर जाएगा। इधर जाकर ये थोड़ी देर बाद कुछ यहां पर रेस्ट पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ इस पे ये एफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और क्या होगा, स्प्रिंग कुछ खिंच गई होगी, कितनी खिंच गई, मान लेते हैं एक्स नॉट, एक्स नॉट खिंच गई स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से। ठीक है, यहाँ पे जब आ गई तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही होगी के एक्स नॉट, ये एफ और के एक्स नॉट आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो जब एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाएगा, तब बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। बात समझ में आ रही है, जब इस पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं जिस पर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब इसकी मीन पोजीशन आ गई, अब जैसे ही इसकी मीन पोजीशन आई, इसका मतलब ब्लॉक अब यहां पर, अब इसके साथ फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है, आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब जब मैं इसको अगर इसकी इस पोजीशन से थोड़ा इधर या फिर थोड़ा इधर डिस्प्लेस करूंगा तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ध्यान से देखना, ज्यादातर आपको ऐसे केस मिलते हैं जहां पर ब्लॉक की नेचुरल लेंथ ही उसकी मीन पोजीशन होती है, पर इस वाले केस में ऐसा नहीं है। अगर आप उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा देंगे तो या तो वो अपनी नेचुरल लेंथ से थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा या फिर नेचुरल लेंथ से थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, इस केस में स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करें ना, इसको इसकी मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करें, कितना डिस्प्लेस करें, एक्स। जब इसकी मीन पोजीशन से इसको एक्स डिस्प्लेस कर देंगे तो ब्लॉक कुछ यहां आ गया, ब्लॉक जब यहां गया, ये एफ तो अब भी कांस्टेंट फोर्स है, एफ कांस्टेंट फोर्स अब भी है, लेकिन अब की बार क्या है कि जो स्प्रिंग है उस वो कितनी खिंच चुकी है, एक्स नॉट प्लस एक्स, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, के मल्टीप्लाई एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, किधर की तरफ, नेचुरल लेंथ की तरफ, तो के मल्टीप्लाई एक्स नॉट प्लस एक्स, ये भी फोर्स लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना, ये के एक्स नॉट काबिल था इस एफ को बैलेंस करने के लिए, अब तो के एक्स नॉट के साथ में के एक्स और जुड़ गया है, और ये एफ उतना ही है, तो दोनों फोर्सेस में से डोमिनेट कौन कर जाएगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मीन पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो हम लोग इस बार एट न्यू पोजीशन एफ नेट क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हमने वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए मैं उसको एफ लिख रहा हूं, और ये वाले फोर्स को मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, किसको, माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। व्हाट इज दिस, इज स्प्रिंग फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है जो हमने कांस्टेंट फोर्स लगा रखा था। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, हमने पता है कि f इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ध्यान से समझना, ये इस वाली फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये ब्लॉक एसएचएम करेगा।
ऐसे देखने सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि ये ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन की फॉर्म SHM वाली है या नहीं है ये हम तब डिसाइड करेंगे जब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्म आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम लोग SHM के लिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो माइनस के एक्स वो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया है, कोई गारंटी नहीं है। SHM होने के लिए कोई स्प्रिंग की ही जरूरत नहीं है, आगे हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम देखो, तुम क्या करो, कोई रिवर है ठीक है, उस रिवर के सरफेस से थोड़ा नीचे आप एक सिलेंडर टाइप में छोड़ दो और फिर उसे थोड़ा ऑसिलेट करा के छोड़ दो, तो वो ऑसिलेशन करता है, उसकी ऑसिलेशन SHM होती है। क्या होती है? SHM। अब वहां पे तो कोई स्प्रिंग नहीं लगी हुई फिर भी SHM कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमें अपने मन से ये चीज हटानी होगी कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ रहा है तो स्प्रिंग की वजह से ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो फाइनली हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है इसका, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये SHM का टाइम पीरियड हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान से, जब आपको इतना तक समझ में आ गया है तो एक चीज का खुद को आंसर दें कि क्या जो मैंने ये टाइम पीरियड निकाला ये इस बात पर डिपेंड करा कि ये कांस्टेंट फोर्स मैंने कितना लगाया था? नहीं, ये तो बाद में कट गया, कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ये टाइम पीरियड। अच्छा, तो कांस्टेंट फोर्स पर जब डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर इस कांस्टेंट फोर्स की फिर क्या नीड थी, क्या हो गया इससे? हाँ, इससे एक चीज हो गई कि अगर आप कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते तो इस ब्लॉक की जो नेचुरल लेंथ है वही इसकी मेन पोजीशन होती, जबकि अब इसकी नेचुरल लेंथ मेन पोजीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिसाइड टाइम पीरियड ऑफ SHM बट दे डिसाइड इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया इस वाले केस के लिए। ऐसे ही हम लोग आगे अब इसको लेते हुए सबसे पहले हमें करना क्या है, दिमाग में सेट होना चाहिए, राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। ये क्या है, हमने मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिखा था, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। सबसे पहले क्या करना है, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखना है। नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसके बाद एक्स डिस्प्लेस कर दिया इसको मीन पोजीशन से। नाउ राइट डाउन द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, उस पर नेट फोर्स लिखा, उसमें से मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन का यूज करके कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कुछ ऐसे हम टाइम पर निकाल लेंगे SHM का। हम इसी को लेते हुए आगे कई सारी प्रॉब्लम इस पे करते हैं और एक बार में देखो धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो भाई आगे देखें। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला अब की ओर क्या किया है, एक वेज है, एक वेज जिस जो कि इंक्लाइंड है एंगल अल्फा पर, हमने क्या किया उस पर वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाके रख दिया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के और ब्लॉक का मास है एम, और हमको क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड निकालो इस सिस्टम का, क्या निकालो, टाइम पीरियड। तो करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द मीन पोजिशन फोर्स रिलेशन, राइट डाउन द मीन पोजिशन फोर्स रिलेशन। अच्छा तुम्हें पता है जब ये ब्लॉक ऐसे है तो इसने स्प्रिंग को कुछ दबा दिया होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये है फिलहाल ही मीन पोजिशन पर ही है, मतलब इसकी नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर थी, ये मीन पोजिशन पे है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ स्प्रिंग कुछ एक्स नॉट दबी हुई है, कितनी दबी हुई है, एक्स नॉट, और उस एक्स नॉट ने इसके फोर्स को बैलेंस कर रखा है। इस ब्लॉक पर ग्रेविटी की वजह से कौन कौन से फोर्स लग रहा है आपको पता होगा, ये एम जी होता है नेट ऐसे, है ना, और एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, देखो ये एंगल अल्फा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। ठीक है, और इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एक नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स वेज की वजह से ऐसे, ठीक है, और उसमें क्या है स्प्रिंग स्पीक फोर्स लगा रही है ऐसे इधर की तरफ, कितना, के एक्स नॉट। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस एम जी साइन अल्फा को बेसिकली के एक्स नॉट ने बैलेंस कर रखा है, एम जी साइन अल्फा को मीन पोजीशन पर के एक्स नॉट ने बैलेंस कर रखा है। तो ये क्या है हमारा मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, क्या है, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये इक्वेशन मान ली पहली, अब क्या करना है ब्लॉक को उसकी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करना है, एक्स, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर देते हैं भाई। जैसे ही इसको एक्स और डिस्प्लेस किया इधर की डायरेक्शन में, एक्स और जब इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे तो ध्यान से सोचना स्प्रिंग पहले कंप्रेस हुई पड़ी थी एक्स नॉट, तो अब एक्स और कंप्रेस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो हम नेट फोर्स लिखते हैं, नेट फोर्स अलोंग द वेज, अलोंग द वेज पैरेलल टू द वेज। ठीक है, ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो वो एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ लग ही रहा है, एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ लग रहा है, हमने एक्स और उसे डिस्प्लेस कर दिया। देखो एक तो ये फोर्स हो गया एम जी साइन अल्फा, और एक जब ये डिस्प्लेस कर देंगे इस ब्लॉक को तो ये स्प्रिंग ऐसे इस पे फोर्स लगाएगी, कितना, के एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस
के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, आगे समझ में आ ही गया होगा, ये नेट फोर्स लिख लिया, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसको खोल दो, एम जी साइन अल्फा माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, अब क्या होगा, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन यूज करना है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एफ नेट कितना आ गया माइनस के एक्स, अगेन पहला वाला, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ये बात समझ में आ रही है? अरे आना भी यही आंसर चाहिए था, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्सेस। तो अब यहां पे देखो हुआ क्या है, जब मैंने इसको ऐसे वेज पे रख दिया तो हुआ क्या, एक तो ये नॉर्मल फोर्स जो कि कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल है किसके, एम जी कॉस अल्फा के, और एक कांस्टेंट फोर्स कौन सा लगने लग गया, ये एम जी साइन अल्फा वेज के अलोंग आ गया, तो ये जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं ये SHM के टाइम पीरियड को काफी अफेक्ट नहीं कर सकते, ये क्या अफेक्ट कर सकते हैं, पार्टिकल की मीन पोजीशन को, मेरी बात समझ में आ रही, जो पहले कहीं और होनी चाहिए थी मीन पोजीशन वो कांस्टेंट फोर्स आने की वजह से कहीं और हो जाएगी, लेकिन उससे टाइम पीरियड ऑफ SHM पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं ये ब्लॉक को अगर किसी लिफ्ट के अंदर भी ऑसिलेट करा लूं, किसी लिफ्ट के अंदर, तो उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट सूडो फोर्स लगने लग जाएगा, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो उस केस में भी टाइम पीरियड यही आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि कांस्टेंट फोर्सेस डू नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, ठीक है, इतने नोट करो। हाँ भाई देखो हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है, ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम दे रखा है हमको, ये मास है और ये इस पुली के ऊपर पास हो रही है स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, गिवन ये है कि पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, पुली को आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन के लिए मासलेस और फ्रिक्शनलेस मानना है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालना है, तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ऐसा मान लेता हूं फिलहाल मीन पोजीशन पे रुका हुआ है, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो है, कैसे होगा, देखो इस वाली ब्लॉक पे एक तो फोर्स लग रहा है mg, लग रहा है या नहीं लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक लग रहा है, इस पे टेंशन, क्या लग रहा है, टेंशन, तो अगर ये ब्लॉक फिलहाल मीन पोजीशन पे है तो mg शुड बी इक्वल टू टेंशन, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अभी इसको टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है ना, ये स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग जो है इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, तो कुल मिला के जो भी कोई स्ट्रिंग किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है तो वो खुद एक स्प्रिंग की तरह वर्क करती है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसको हम खींचते जाएंगे वो एलोंगेट होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो तो ये टेंशन जो है वो इससे डेवलप हो रहा है, ठीक है, अब ये जो के इसका के दे रखा है आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनिशियली ये वाले मास की वजह से ये स्प्रिंग कुछ खिंची हुई होगी, ऐसे करके खिंची हुई होगी या नहीं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये x नॉट खिंची हुई है, कितनी मीन पोजीशन पर ये x नॉट खिंची हुई है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं दिस के x नॉट, ये वाली पुली जो है ये मासलेस है, तो इस वाली पुली पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा पता होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, कि अगर पुली मासलेस है तो उसकी ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों में फोर्सेस बराबर होते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये टेंशन जो है वो खुद के x नॉट के बराबर होगी और टेंशन खुद mg के भी बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन को कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, पहली इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इस ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कराना है, एक्स डिस्प्लेस करा दें, जैसे ही इसको हम एक्स डिस्प्लेस कराएंगे ये ब्लॉक कुछ नीचे आ गया। ठीक है, मैं इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं, अब जैसे ही ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस होगा जो पहले इस पे फोर्स सिर्फ के एक्स नॉट ऊपर की तरफ लग रहा था, अब वह फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स नॉट प्लस एक्स, के एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे तो अब भी एम जी लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया एक्स डिस्प्लेस करने के बाद, एम जी माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या करना है, पुराने वाले की तरीके से ही एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, mg और kx नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन यूज करके, कितना आ जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस kx, सो अगेन द टाइम पीरियड विल बी सेम 2 पाई अंडर रूट m बाय k, मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
ठीक है। ऐसे देखो इसी पे बेस्ड एकदम छोटा सा क्वेश्चन, मैं क्या करूं इस पुली को यहां से रिमूव कर दूं और ये जो पूरा सिस्टम है इसको ऐसे कर दूं, देखो ये, उसके बाद में ये मास में ऐसे लटका दें और फिर इसको ऑसिलेट कराएं, फिर इसको ऑसिलेट कराएं, तो बताओ ऐसी सोच के बताना सेम टाइम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लगेगा भी तो एक कांस्टेंट फोर्स mg तो लग रहा है इसके साथ में, और हमें पता है कि कांस्टेंट फोर्सेस टाइम पीरियड ऑफ SHM को अफेक्ट नहीं करते। देखो कर लेते हैं, देखो क्या होगा, मान लेते हैं स्प्रिंग इनिशियली जब ये मीन पोजिशन पर है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट खींची हुई है, कितनी एक्स नॉट, तो इसकी वजह से इस ब्लॉक पर ऐसी फोर्स लगाएगी कितना के एक्स नॉट, और नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो मीन पोजिशन फोर्स रिलेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो उसी के जैसा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इसकी मीन पोजिशन से भी एक्स डिस्प्लेस कराएंगे, तो उस समय पर ये जो स्प्रिंग है वो कितनी खिंच जाएगी, एक्स नॉट प्लस एक्स, तो वो नेट फोर्स कितना लगाएगी, के एक्स नॉट प्लस एक्स, और खुद ब्लॉक का कितना लगेगा नीचे mg, तो नेट फोर्स ओवरऑल इस ब्लॉक पर कितना हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, एकदम उसके जैसा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, mg और के एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट फोर्स कितना आ जाएगा माइनस के एक्स, तो सेम टाइम पीरियड आ जाएगा यही, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये सिंपल सिंपल सिचुएशंस। ठीक है, आप ये उतारो फिर इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक, देखो भाई नेक्स्ट, इस बार क्या है ना हमारे पास वही सेम पुली ब्लॉक सिस्टम है जैसा इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या कि जो पुली है ना इस बार मासलेस नहीं है, इस पुली का मास दे दिया आपको m और इसकी रेडियस दे दी r। अब इसके बाद हमको क्या बोला है कि इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा मूव करके छोड़ देंगे और फिर ये ऑसिलेट करने लग जाएगा पूरा सिस्टम, साथ के साथ में पुली भी ऑसिलेट करेगी ऐसे, समझ में आ रही है बात, इसका एंगल बार बार रोटेट करेगा ना पुली का, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो इस पूरे सिस्टम की हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिख, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं सेपरेट जिससे कि आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ऐसा मान लेते हैं जब मीन पोजीशन आएगी तो ये ब्लॉक कुछ इस स्प्रिंग को खींच लेगा और ये पुली भी थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी वर्टिकल के साथ, कुछ एंगल बनाने लग जाएगी कुछ ऐसा, ये एंगल कुछ इनिशियल थीटा नॉट, कितना एंगल थीटा नॉट, और क्या होगा कि जो ब्लॉक है ये कुछ नीचे आ जाएगा, कितना, कुछ डिस्टेंस एक्स नॉट, वो जो एक्स नॉट है दैट विल बी द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, कुछ खिंच गई है स्प्रिंग, कितना खिंच गई है एक्स नॉट, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इधर से, के एक्स नॉट, कितना के एक्स नॉट, समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्योंकि ये खिंच गई है तो वापस अपनी पोजीशन गेन करनी चाहिए ना, नेचुरल लेंथ गेन करना चाहिए, और इधर की तरफ से ये टेंशन लगेगी इस वाली स्ट्रिंग में टी टी, और इस ब्लॉक पे लगेगा mg, क्योंकि अगर ये पूरा सिस्टम फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये वाला ब्लॉक ये वाला पुली सब अपनी मेन पोजीशन पे है, तो हर एक पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, देन द नेट फोर्स ऑन ईच ऑन एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसकी मदद से लिख सकता हूं टी शुड बी इक्वल टू एमजी, टी शुड बी इक्वल टू एमजी, किस पर, मीन पोजिशन पर। अब ये वाली जो टेंशन है इधर लग रहा है के एक्स नॉट, अब ये ब्लॉक क्या हो गया, सॉरी ये वाली जो पुली है ये क्या है, इस बार मास वाली पुली है, तो मास वाली पुली के लिए क्या है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमें पता है ये फिलहाल चल तो सकती नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर से ये सपोर्ट से लटकी हुई है, अगर आप इस पे नीचे की तरफ ये टी और के एक्स नॉट फोर्स भी लग रहा है तो ऊपर ये जो रॉड है या फिर जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन उन दोनों को बैलेंस कर देगा, ये बात समझ में आती है। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये भी है कि नेट फोर्स के साथ साथ बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये घूमनी भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, मतलब घूमने फिलहाल ये थीटा नॉट पे रुकी होनी चाहिए, तो नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अब इस पे टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, देखो ये जो टेंशन टी है इस स्ट्रिंग के अंदर ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, ये जो के एक्स नॉट वाली फोर्स है ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, अगर इस पे टॉर्क जीरो होना है तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस टेंशन इज इक्वल टू के एक्स नॉट,
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन हो गए। ठीक है, अच्छा देखो, इस वाली प्रॉब्लम में मुझे पता है इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे वाली प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की? देखो, हमको लोग एक रिलेशन और लिखना आना चाहिए। देखो, ये जो है इसमें एक्स नॉट एक्सटेंशन आया है, इसका मतलब कि जो इससे ऊपर से ये जो स्लिप करी है ना, यहाँ से ये जो स्ट्रिंग स्लिप करी है, ये है एक्स नॉट। कितनी? एक्स नॉट। और ये इसकी रेडियस कितनी थी पुली की? आर। तो आप एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से ये लिख सकते हो ना, एक्स नॉट इज इक्वल टू आर थीटा नॉट। मैं बता रहा हूँ इस वाले रिलेशन की जरूरत आपको इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे क्वेश्चंस, उनमें आपको इस रिलेशन का यूज करना आना चाहिए और ये हमारी प्रॉब्लम्स को इजी करेगा। ठीक है, अब देखो हम वापस चलते हैं। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिख लिया, इसके बाद क्या करना है? इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है? एक्स। और एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद इस पे नेट फोर्स लिखें और इस वाली पुली पे नेट टॉर्क लिखें। ठीक है, अब देखो जब इसको मैं एक्स डिस्प्लेस कर दूंगा तो कैसा डायग्राम बनेगा देखते हैं। ये जो पुली थी, ये पुली थोड़ा और घूम जाएगी, ये थीटा नॉट नहीं रहेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? कुछ थीटा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, और क्या होगा? ये कुछ और नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। नीचे की तरफ तो वही लगेगा mg, और ऊपर की तरफ टेंशन लगने जाएगी टी। लेकिन ये वाली टी और ये वाली टी सेम हो, इस बात की कोई गारंटी अब नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कुल मिला के? इस टी और एमजी में से कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। ठीक है, अच्छा इधर की तरफ देखो, ये कुछ और स्ट्रेच हो जाएगी। कितना? क्योंकि हमने इसको एक्स नीचे खींचा है, तो ये एक्स और स्ट्रेच हो जाएगी, और इसमें अब की बार कितना फोर्स लगने लग जाएगा? के एक्स नॉट प्लस एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे। जब ये ऐसे होगा तो इसका कुल मिला के एक्सेलरेशन कैसे होगा? ऊपर की तरफ। जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, है ना? अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं सारी चीज इसी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि एम जी और टी। तुम्हें पता है बेसिकली कि टेंशन को एम जी से बड़ा होना ही पड़ेगा, तब ये वापस अपनी मेन पोजिशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं इस वाले ब्लॉक पर, एम वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स लिखता हूँ, एफ नेट। कितना हो जाएगा? एम जी माइनस टी। और इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ? एम ए के। ये चीज समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद में देखो। ठीक है, अच्छा ये लिखते टाइम मैंने ऐसे माना कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है, वो और अपने आप नेगेटिव आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, साथ के साथ इस वाले पे टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क, क्योंकि इस बार ये वाला टेंशन और ये के एक्स नॉट प्लस एक्स इक्वल होंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। मैं नेट टॉर्क ऐसे ही मान के चलता हूँ, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो नेट टॉर्क विल बी कितना लिखेंगे? एक तो ये टी टेंशन टॉर्क लगा रही है, ये रेडियस है इसकी आर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टी आर। ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या लगेगा? माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू आर, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। क्या चीज? आई अल्फा। मैं मान लेता हूं कि ये जो पुली है ना, ये डिस्क है। क्या है? डिस्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। अब आई में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू में अल्फा, इंटू में अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या यूज किया? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो यूज करता हूँ रिलेशन का, ध्यान से देखना। ये है हमारे पास टी आर, ठीक है, अब देखो ये है माइनस के एक्स नॉट आर माइनस के एक्स आर इज इक्वल टू एम आर ए बाई टू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, थोड़ा सॉल्व करने पर ये सारे के सारे आर 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये नीचे वाला ऊपर लिख रहा हूँ वापस, देखो क्या होगा, दिस टी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए बाई टू। ये के एक्स नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? एम जी। के एक्स नॉट की जगह मैं एम जी यूज कर सकता हूँ, के एक्स नॉट की जगह एम जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टी माइनस एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए बाई टू। ठीक है, अब देखो क्या होगा,
हमें पता है कि mg माइनस टी था ma, mg माइनस टी था ma, तो t माइनस mg क्या हो जाएगा, माइनस ma, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ma माइनस kx इज इक्वल टू एम ए बाई टू। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा तो इस m को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा फाइनली m बाई टू प्लस एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। उधर से देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम बाई टू प्लस एम। तो देखो अब ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम बाई टू प्लस स्मॉल एम। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई अपॉन ओमेगा, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के, यानी कि एम अपॉन टू प्लस स्मॉल एम बाई के। सो ये है हमारा आंसर इसका। ठीक है, देखा, तो हमने इसी के दो वेरिएशन करे, एक तो मास वाला पुली और एक मासलेस पुली। ठीक है, आगे का हम जो होगा ना इसका और सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।